अफतारी में समोसे खाना किसको पसंद नहीं होता लेकिन जब हम घर में ये बनाते हैं तो अमूमा हमसे इनकी जो शेप होती है वो परफेक्ट नहीं बनती या तो वो ख़राब हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं जब हम इनको फ़्राई करते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी आप सब मैं हूँ फ़िज़ा और वेलकम करती हूँ आपको लाजवा पकवान में लाजवा पकवान में आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता बहुत ही बेहतरीन किस्म की समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपको बाज़ार से समोसे लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर में इतने परफेक्ट तरीके से जब आप ये समोसे बनाएंगे तो चलिए बिसमान इसको स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मैदा दो कप मेजरमेंट के मैं इसके अंदर मैदे के ऐड करूँगी अच्छे से छान कर आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितने समोसे आपने कम या ज़्यादा बनाने हो उसके अकॉर्डिंग आप मैदा ले सकते हैं अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक टेबल स्पून ज़ीरा और एक चुटकी मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन दोनों चीज़ों को मसल कर मैं ऐड करूँगी इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये लाजमी ऐड कीजिएगा अब इसमें मैं ऐड करती हूँ हाफ टी स्पून नमक और अब मैं इसमें ऐड करूँगी घी यहाँ पर जो घी है उसको मैंने मेल्ट कर लिया था ताकि अच्छी तरह से जब हम इसको मिक्स करें तो वो आटे के साथ मिक्स हो जाए पहले हमने मैदे को जो हमने इसके अंदर घी ऐड किया है उसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके क्रम्स बनना स्टार्ट हो जाएं और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड करते जाना है और इसको गूंद लेना है जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं वैसे ही सख्त किस्म की डो बना लेनी है और फिर इसके ऊपर हमने ऑयल लगा कर इसको दस से पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट देनी है इसको साइड कर देंगे और दूसरी तरफ हम लेती हूँ एक कढ़ाई जिसमें मैं ऐड करूँगी दो टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और एक टेबल स्पून इस में इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा जिसमें चार से पाँच काली मिर्ची भी हम ऐड करेंगे इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर फिर मैं इसमें ऐड करूँगी एक टेबल स्पून कूटी हुई सुरख मिर्च इसको भी मैं इसमें एक से दो मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट कर लूँगी यानी कि पका लूँगी अब जो आलू जो है मैंने बॉईल करके रखे हुए थे आलूओं को बॉईल करके मैंने यहाँ पर मैश कर लिया था और मैश आलू अब मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमने जीरे का और मिर्चों का तड़का लगाया था ऑयल के अंदर वो इसके अंदर अच्छे से अब्सॉप हो जाए फिर हमने इसको कर लेना है ठंडा और इसको बर्तन में ऐड कर लेना है और बाकी की सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है यहाँ पर मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज़ की प्याज़ एक टमाटर दो से तीन हरी मिर्चें और मसाले में मैं इसमें ऐड करूँगी सुरख मिर्च एक टेबल स्पून नमक और हरा धनिया बस यही चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और जो समोसे का जो आमेज़ा है वो बिल्कुल रेडी है यही चीज़ें हमें इसके अंदर चाहिए बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर मसाले नहीं ऐड करने हैं और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी खुशक धनिया पाउडर के फॉर्म में ऐड नहीं करेंगे साबुत ऐड करेंगे इस ये जब मुँह में आता है तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है ये लाजमी ऐड कीजिएगा अब जो डो थी हमने पहले रखी हुई थी साइड पर उसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं अब हमने इसके इस तरह से छोटे चोड़ छोटे से पेड़े बना लेने हैं बिल्कुल जैसे कि रोटी के हम पेड़े बनाती हैं इसी तरह से सारे आटे की इक्वल साइज़ के हमने पेड़े बना लेने हैं काउंटर पे हम रखते हैं अब एक पेड़ा इसके नीचे पहले खुशका लगा लेंगे और अब हमने इसको बेलना है बेलना आपने इस तरह से है कि आपने इसकी बिल्कुल बारीक सी पतली सी रोटी बनानी है जितनी पतली इसकी जो रोटी होगी यानी कि समोसा बनाने के लिए हमें जितनी बारीक पट्टी चाहिए उतनी बारीक हमने इसको करनी है मोटी होगी तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगी वो बिल्कुल जैसे कि रोटी आपने फ्राई की होती है उसी तरह से इसकी शेप हो जाएगी पापड़ की तरह बन जाएगी सारी पट्टियों को हमने इस तरह से बेल कर एक दूसरे के ऊपर रख लेना है फिर इसको इक्वल साइज़ में इकट्ठे ही काट लेना है ये देखें एक पट्टी हम उसकी उठाएंगे इसकी एक साइड पर हम पानी लगाएंगे और दूसरी साइड को इस तरह से इसके अंदर फोल्ड करते हुए आपस में जोड़ लेंगे पानी के साथ बहुत ही आसानी के साथ ही चिपक जाएगी और बिल्कुल भी हम, हम हमने इसको टूटने नहीं देना अब इसके अंदर अमेजा ऐड करेंगे जितनी क्वान्टिटी के अंदर जितनी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें डालना चाहते हो डालने के बाद साइडों से हम फिर इसके ऊपर पानी लगाएंगे और इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे जितनी मजबूती से आप इसको फोल्ड करेंगे उतना ही समोसा आपका परफेक्ट बनेगा यानी कि जब हम फ्राई करते अमूमन आपके जो समोसे हो जाते हैं वो खुल जाते हैं उसके अंदर ऑयल चला जाता होगा तो वो इस, इसी वजह से होता है कि आप जोर से दबाते नहीं हैं आपने इसको परफेक्ट दबाना है इसी तरह से सारे समोसे हमारे रेडी हो चुके थे ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और अब एक एक करके सारे समोसे हम इसमें डिप करते रहेंगे और हमने इसको डीप फ्राई करना है एक साइड से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर जब इसका प्यारा सा कलर आ जाए तो हमने इसकी साइड को कर लेना है चेंज और इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसको फ्राई कर लेना है तकरीबन तो छः से सात मिनट हमने एक साइड को देना है क्योंकि हमने ये लो फ्लेम पर फ्राई करना है हाई फ्लेम पर जब हम फ्राई करेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से ऊपर से तो कलर आ जाएगा ये देखिए एक दफ़ा समोसे फ़्राई कर लिए हैं अब दूसरी दफ़ा हम दोबारा फिर हमने इसमें ऐड किया है और इसी को भी सेम वही प्रोसीजर से हमने फ्राई कर लेना है रेसिपी इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो लाजवाब पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दिया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें और ये देखें ये बाकी के समोसे जो हैं वो भी हमारे रेडी हो चुके हैं ये देखें हलवाई स्टाइल बिल्कुल खस्ता समोसे घर पर हमने तैयार किए हैं बाज़ार के महंगे समोसे और जो हमें ये भी नहीं पता होता है कि खाली से आप घर पर हेल्दी स्नैक्स बनाएं बच्चों को खिलाएं अवतार में घर वालों को खिलाएं उनको खुश करें रेसिपी भी पसंद आई और लाजवाब पकड़ान उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे भी दुआ में याद रखिएगा हाफिज़